friends, now we will practice some of the problems based on the differentiation. See here, x is dependent upon theta. X is equal to a theta plus sine theta. So the value of x is dependent upon theta. Here y, it is also dependent upon theta. Question is that we have to find out dy by dx. Okay, so can we write dy by dx in this way? What we are doing, we are dividing d theta. Here we are multiplying d theta. Now x is dependent upon theta, so dx upon d theta कितना हो जाएगा? ये constant है, बाहर रहेगा d theta. इस theta का differentiation, theta का differentiation कितना है? d by d theta into d theta कितना हो जाएगा? One plus sin theta का differentiation cos theta. Next dy by d theta, क्योंकि y भी dependent है theta पर, तो dy by d theta ये बाहर आ जाएगा. One का differentiation constant है zero, minus cos theta का differentiation minus sin theta, so it will become plus sin theta. Okay, अब ये values को यहाँ put कर देंगे. So dy by d theta कितना है? A sin theta, into d theta upon dx. हमने निकाला था dx upon d theta, तो इसको reverse कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 upon a 1 plus cos theta. A से a कट गया, कितना आया? sin theta upon 1 plus cos theta. Okay, look here, मैथ्स में जो बायो के है और मैथ्स के दोनों समझेंगे. साइन टू थीटा एक फॉर्मूला होता है. साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा. साइन टू थीटा कितना होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा. अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूले, जब ये हाफ एंगल फॉर्मूले बनाते हैं तो एंगल में ही हाफ होता है, ध्यान रखना. ही टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू. जब यहाँ से एंगल हाफ होता है तो एंगल में ही हाफ हो जाता है, तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला है हाफ एंगल के टर्म्स में. सिमिलरली वन प्लस कॉस, आप जानते हैं कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. चार फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये होता है. ठीक है, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. इस वन को यहाँ ले आइए, 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा. अब हाफ एंगल फॉर्मूला बनाना है तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, एंगल में ही हाफ हुआ है तो यहाँ भी एंगल में ही हाफ होगा. कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी 1 प्लस कॉस थीटा के वैल्यू इतना यहाँ पर पुट करना है. ठीक है जी, तो साइन थीटा कितना आया? 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon 1 plus cos theta. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. So 2 से 2 cancel, 1 cos से 1 cos cancel, कितना आ गया?